उनका कहना था कि व्यक्ति के भीतर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की तड़प होनी चाहिए। भले ही ईश्वर के मार्ग पर हम अपने मन के समक्ष कई बार घुटने टेक दें, परंतु हमें अपनी मन की वृत्तियों के विरुद्ध आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। वे कहते थे कि साधना का अर्थ सिर्फ गुरु से लिए हुए नाम का जप नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य के साथ मन लगाकर काम करना भी होता है। पाप कर्म को पहचानना, पाप कर्म होने पर पश्चाताप करना, पाप कर्म से दूरी बनाकर रखना, बुरे लोगों की संगत त्यागना और पवित्र लोगों के साथ रहना, निरंतर नाम जप, करुणा और सात्विक विचार, इन सभी का पालन करके नाम साधना से उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे श्री बिजॉय कृष्ण गोस्वामी की। बंगाल के शांतिपुर में सन 1841 में बिजॉय कृष्ण जी का जन्म हुआ। वे चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त अद्वैताचार्य जी की 10वीं पीढ़ी में जन्मे थे। इनके पिता आनंद किशोर जी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा दंडवत प्रणाम करते हुए की थी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के पश्चात वे भाव समाधि में लीन हो गए। उसी वक्त उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। दया, धर्म, दान, वैराग्य, स्पष्टवादिता, ये अमूमन वो गुण हैं जो संत वृत्ति वाले लोगों में पाए जाते हैं, परंतु यह देखा गया है कि इन गुणों के अलावा अधिकतर ब्रह्मवेता संतों के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ऐसी घटना अवश्य होती है जो कि उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र और उनका जीवन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि बिजॉय कृष्ण जी अद्वैताचार्य मत से आते थे, बहुत से लोग उनको प्रेम करते थे, उनकी इज्जत करते थे। बिजॉय कृष्ण जी साधनात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति भी चलती रही और बाल लीलाएं भी, जिनमें सद्गुणों का समावेश स्पष्ट था। जीवन के एक मोड़ पर आकर बिजॉय कृष्ण जी ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। ब्रह्म समाज उपनिषद और शंकराचार्य जी के आदर्श को श्रेष्ठ मानता है, जो कि एक ईश्वरवाद की धारा में विश्वास करता है। ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद में एकेश्वरवादिता बिजॉय कृष्ण जी के मन में पूरी तरीके से घर कर गई। उन्होंने भगवान के प्रकट स्वरूप को अस्वीकार कर दिया। वे एक लंबे समय तक ब्रह्म समाज से जुड़े रहे और एक ईश्वरवादिता का दृढ़ तरीके से प्रचार प्रसार करते रहे, परंतु उनकी गहरी ध्यान की अनुभूतियों ने उनकी निराकार पर ब्रह्म की आस्था को तब एक गहरा धक्का दिया जब एक दिन शाम को वे निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान लगा रहे थे। उसी वक्त भगवान कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे सोने के आभूषणों की मांग की। स्वामी जी ने कहा, मैं प्रकट स्वरूप को नहीं मानता। भगवान कृष्ण बोले, तुम प्रकट स्वरूप को मानो या ना मानो, परंतु मेरे लिए आभूषण तो बनवा ही सकते हो। बिजॉय कृष्ण ने कहा कि ना तो मेरे पास सोना है और ना ही कोई तरीका है जिसके द्वारा मैं सोना प्राप्त कर सकूं। बिजॉय कृष्ण जी ने बहुत नकारा, मगर श्याम सुंदर एक नटखट बालक की तरह उनके पीछे पड़ गए। साथ ही उन्होंने इशारा किया कि शांतिपुरा में जो तुम्हारी चाची रहती हैं, उनके पास सोने के सिक्के रखे हुए हैं, और साथ ही वह स्थान भी बता दिया जहां पर सोने के सिक्के रखे हुए थे। कौतूहलवश बिजॉय कृष्ण जी अपनी चाची के पास गए और उन्हें बताया कि श्याम सुंदर उनसे आभूषण चाहते हैं। उनकी चाची ने ताना कसते हुए कहा कि तुम तो श्याम सुंदर को मानते ही नहीं हो, मुझसे आभूषण मांगने के लिए क्या उन्हें तुमसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला? अब बिजॉय कृष्ण गोस्वामी ने अपनी चाची को वह स्थान भी बता दिया जहां पर उनके सिक्के रखे हुए थे। उनकी चाची बहुत आश्चर्यचकित हुई
और साथ ही रोने भी लगी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि भगवान कृष्ण ने ही उनसे गहने की मांग की है और वे गहने बनवाने के लिए तैयार हो गईं। इस घटना के पश्चात विजय कृष्ण जी कोलकाता आ गए। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ध्यान पर बैठे हुए थे, तब श्याम सुंदर उन्हें फिर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि विजय, एक बार शांतिपुर आओ और देखो कि मैं नए आभूषणों में कितना सुंदर दिखता हूँ। स्वामी जी ने एक बार फिर से विरोध किया और कहा कि मैं सगुण ब्रह्म को नहीं मानता, सिर्फ निर्गुण को ही मानता हूँ। भगवान कृष्ण ने फिर से कहा, ठीक है, तुम नहीं मानते, कोई बात नहीं, मगर शांतिपुर आकर यह देखने में क्या बुराई है कि मैं आभूषणों में कैसा लगता हूँ। इसके पश्चात स्वामी जी ने निर्गुणों पर बहुत ध्यान करने की कोशिश की, परंतु ना कर सके। अंततः उन्होंने शांतिपुर के लिए प्रस्थान किया। समय काफी हो चुका था, शांतिपुर के लिए आखिरी ट्रेन भी जा चुकी थी। वे ट्रेन से रानाघाट स्टेशन पहुंचे और वहां से पैदल ही शांतिपुर के लिए गए। वे जब तक शांतिपुर पहुंचे तब तक रात काफी हो चुकी थी, मगर फिर भी उनके लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया गया। भीतर देखते हैं कि श्याम सुंदर नए आभूषणों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इस घटना के पश्चात स्वामी जी ईश्वर के प्रकट स्वरूप में भी उतना ही विश्वास करने लगे जितना कि अप्रकट स्वरूप में करते थे। उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर प्रकट और अप्रकट दोनों ही स्वरूपों में मौजूद है, भेद सिर्फ इतना है कि प्रकट स्वरूप अस्थाई है, क्षणिक है। ब्रह्म समाज छोड़ने के बाद भी स्वामी जी ब्रह्म समाज में प्रार्थना करवाने का काम वहां के वरिष्ठ लोगों के कहने पर करते रहे। परंतु एक दिन जब वे प्रार्थना करवा रहे थे तब उन्हें कई दिव्य विभूतियों के सूक्ष्म रूप के दर्शन हुए, जिसमें नारद जी, वाल्मीकि जी, रामकृष्ण परमहंस और अद्वैताचार्य जी आदि थे। विजय कृष्ण जी प्रार्थना के समय इन संतों के नाम का भी समावेश करने लग गए, जिससे कि ब्रह्म समाज में काफी रोष फैल गया। और बस यही दिन था जब उनके ब्रह्म समाज से 26 साल पुराने रिश्ते का अंत हुआ। गोस्वामी जी अजपा जब साधना को बहुत महिमा मंडित करते थे। लोगों ने कई बार देखा कि जब वे अजपा साधना में लीन होते तब एक विशाल सर्प उनके शरीर पर चढ़ जाता और उनके सिर पर फन फैलाकर बैठ जाता, और साथ ही उनकी गर्दन और सीने पर कुछ यूं फन लगाकर बैठ जाता मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहा हो। एक बार गोस्वामी जी वृंदावन गए। वे भगवान गोविंद के दर्शन करना चाहते थे, परंतु मंदिर के संरक्षक ने उन्हें गोविंद जी के दर्शन नहीं करने दिए, क्योंकि स्वामी जी एक बार वैष्णव पंथ को छोड़कर ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। गोस्वामी जी बहुत भारी मन से वापस लौटा। उसी रात्रि को मंदिर के संरक्षक को स्वप्न आया कि भगवान नरसिंह उस पर क्रोधित हो रहे हैं और उसे निर्देश दिया कि वह सम्मान के साथ गोस्वामी जी को मंदिर लेकर आए। तत्पश्चात मंदिर के संरक्षक ने ऐसा ही किया। विजय कृष्ण गोस्वामी एक दिव्य विभूति थे, परंतु मानव शरीर में आकर अपनी उपलब्धि के लिए जिस साधना पथ को उन्होंने अपनाया वह पथ था अजपजप साधना। एक बार एक उच्च कोटि के शिव योगी को शिव शक्ति के द्वारा यह प्रेरणा हुई कि वह वृंदावन जाकर राधा कृष्ण लीला का प्रचार करे। वृंदावन आने पर उन्हें राधा रानी का दर्शन हुआ और राधा रानी ने उन्हें सद्गुरु विजय कृष्ण गोस्वामी से अजपा जप साधना में दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। गोस्वामी जी से अजपा जप साधना की दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिक की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया बल्कि वे शिशु सुलभ हो गए। सन 1897 में स्वामी जी ने पूरी जाना निश्चित किया। स्वामी जी की मां जब तक जीवित थी वे हमेशा कहती थी कि मेरा पुत्र पुरी से आया है और अगर यह कभी पुरी गया तो वहां से वापस नहीं आएगा। नियति को भी शायद यही मंजूर था।
जब गोस्वामी जी वहां पर गए तो उनसे ईर्ष्या रखने वालों ने प्रसाद के बहाने उन्हें जहर दे दिया, जिसके कारण उनके शरीर को काफी हानि पहुंची और जहर लेने के कुछ दिनों के पश्चात ही स्वामी जी ने शरीर का परित्याग कर दिया। स्वामी जी और उनके निकटतम शिष्य कुलदानंद अजपा जब साधना को बहुत महत्व देते थे और उनका कहना था कि कलयुग में यह साधना सर्वोत्तम है, जिसके अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस क्रिया में गुरु द्वारा दिए गए शक्तिशाली मंत्र का श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में अभ्यास किया जाता है, जो अंततः व्यक्ति को उच्च से उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था की ओर ले जाता है। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, यदि आप हिमालय की रहस्यमय सिद्धाश्रम से महावतार बाबा जी के संरक्षण में प्राप्त हुई अजपा जब साधना में दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9873361918 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अजपा जप साधना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल आयाम इंडिया पर अजपा जप साधना से जुड़े वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।